थी मारे बड़े बुजुर्ग गला माँ बाप गला किसान गला खेलिया मारी बहन बेटी मेडल वाली जो इनके सेटिंग वाले लग गए तो ना साफ आ रही है तो सभी साथियों को मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी दोस्तों हम खड़े हैं खटखड़ टोल प्लाजा पे और आपको मैं बता देता हूँ हरियाणा सरकार ने एक सीटी क्वालिफाई का एक मुद्दा चला रखा है। चलाने का मतलब है कि जब तक आप सी और डी का पेपर नहीं दे सकते जब तक सीईटी क्वालिफाई नहीं होंगे। तो अभी कुछ हमारे साथ साथी हैं प्रदीप संधू, पिछली बार जो मैंने वीडियो आपको दिखाई दी दीपेंद्र हुड्डा की एक रैली के अंदर भाई स्टेज बतड़ गया था और दीपेंद्र हुड्डा से मिल के इन्होंने बातचीत करी थी और आज भी ये खटखट टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे साथी पूरे हरियाणा से आए, एक बार बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है और कहाँ से आप आए? प्रदीप संधू सर, कैथल से आए हैं और मेरे साथ सभी साथी ऑल हरियाणा से, भाई हिसार से है और ये जींद से है, जैसे ये भाई पेवा से, कुरुक्षेत्र से, ये भाई सोनीपत से है, ये पानीपत से है, ये पंचकूला से, बहुत दूर दूर से आए हैं क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि हमारी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा, हमने 200 के करीब हमारे बच्चे आए हुए हैं और कुछ आने भी लग रहे हैं क्योंकि हमारी बहन बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। आगे जाके देखो खिलाड़ियों को नहीं बख्श रहे हैं तो हमें क्यों बख्शेंगे। और दूसरा हमारा मुद्दा सीटी क्वालिफाई को लेकर है क्योंकि इन्होंने पेपर लिया था, आपको भी पता है। अब ये बोल रहे हैं चार गुणा को बुलाएंगे, इन चार गुणा में टोपरों टोपर आएंगे और बड़ा वैकेंसी बचेगी आगे जाकर। वैकेंसी बस की मामलों के खांधे आना है, चार साल हो गए एक भी भर्ती नहीं करी थी। और जद ये 100 माता नहीं है जी, 90 सीट अपनी विधानसभा, 90 माता 40 आएगा सत्ता में सरकार आ जा है और 40 आएगी फिर भी 10 लेकर जेजेपी की सरकार बना गए और मारे 50 तो ऊपर नंबर आ गए कि मैम वो कॉमन पात्रता परीक्षा थी, मैम अगले पेपर में बैठ सकते जब इनकी कह रहा नहीं भाई कॉमन है तो अगला बैठने दो मन है। इन सर जी की तेज तसली है, कहला अच्छी एस का पेपर होया 32 क्वेश्चन रिपीट मारे ठा गए इनकी अभी कड़का ना टोपर भाई वहम पढ़ रहे हैं, कुत्ता पढ़ो बिल्ली पढ़ो वहम ना पढ़ो टोपर हो कड़का ना नहीं है। मेन्स का पेपर हो गया चल चार गुणा में किसी टोपर का आ गया और जो क्वेश्चन पेपर रिपीट हो गया जो इनके सेटिंग वाले लग गए थे तो ना साफ आ रही है। तो देखो जी आज जोड़ गए, देखो सर जी। अच्छा एक चीज मैंने प्रदीप भाई आप इस तरीके से बताए जैसे आपने सीईटी के बंदे भी इकट्ठे कर ले, पूरे हरियाणा से भी आपके साथ आ गए। आने वाले समय के अंदर जैसे आपको देखा जाए शुरुआती दौर के अंदर सी और डी का जो पेपर होता था डायरेक्ट होता था इन्होंने सीईटी लाने का क्या सोचा सरकार ने, क्या समझते इस बारे में? बड़ा किया जी एक आधा पेपर हो जाएगा साल में तो 500-700 बड़ा लग जाए करते आया साल गला कोई पेपर होगा ठंडा मामला रह करता इन सोचा ये लेवा और सड़का उतर जा लेवा नहीं सड़क उतर दे पेपर ले भर्ती करो न्यू करो इनकी एक उम्र कोटा कट दिया भाई एक उम्र बना देंगे और रोजगी दे देंगे चार साल हो गए कॉमन धक्के खाने ना माना उम्र हमारी लिख ली 2 साल तो कोरोना में लिख लिए ये पुलिस की भर्ती है 28 हो रहा हूँ 25 में खत्म हो ली मैंने चाहे 100 मारा ना बांधे हो 100 मार दो मैं तो फर्मो नहीं भर सकता मेरी तो उम्र जा ली 25 हो लिया ये तो खेल खेल रहे हैं। देखो जी इनकी मारे बड़े बुजुर्ग गला माँ बाप गला किसान गला खेलिया मारी बहन बेटी मेडल वाली गला खेलिया ये मार युवा गला खेलिया ये कब तक सवाएंगे मार पाया वोट की चोट 2024 में जाएंगे और दबका जाएंगे। देखो आज जोड़ा कहूँ मैं तो या प्रशंसा भी करूँ हमारी जो खट्टर सरकार की है, देखो 2014-19 में नहीं है इस सरकार ने न्यूज़ खाया कि पढ़कर नौकरी मिला है बिना पीछे मिला है। मेरा गांव में SI लग रहा फ्री में, डी ग्रुप में लग रहा फ्री में, इनकी देना उनकी देख कर मैं पढ़ने लग गया और पढ़ने लग गया तो मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा इसमें राजनीति विज्ञान में भाई आप अपनी बातें मौलिक अधिकार है बोलने का अधिकार बोल सका तो मैं बोल लूँगा मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ ये बोलने लग रहा हूँ मुझे अपनी मांग तो उठा सकूँ जो जाए। अगर देखा जाए 2018 के अंदर है ना डी ग्रुप की भर्ती हुई थी 18,000 बच्चे लगे हाँ जी 18,000 प्लस भर्ती हुई थी वो उसके अंदर 1518 कर्मचारी थे स्पोर्ट्स के वो भी हटाए गए थे। उसके बाद भी बार बार इन्होंने पिछली बार ये भी किया था कि स्पोर्ट्स कोटा पुलिस के अंदर खत्म करने की भी कोशिश करी थी। तो क्या कहना चाहिए आने वाले समय में स्पोर्ट्स रहेगा हरियाणा के अंदर कितने परसेंट बढ़ सकता है कितने परसेंट घट सकता है बताओ? ये स्पोर्ट्स ना रहने दें, ये स्पोर्ट्स की छोरियां ना नहीं है छोरियां ना उतनी सपोर्ट कर दे को नहीं जब तो छोरी मेडल ले आवा
मोदी अमरी बेटी सक्सी बहुत बधाई हो तेना देश प्रदेश हरियाणा नाम रोशन कर गई वह बेटी जंत्र मंत्र बता के खाने लग रही है उस बदलवा मैं रहे हाँ देखो जी कहाँ स्पोर्ट्स करा दे ये तो अपने न्यू है नी अपना दूध दही खाना और जोर पूरा लगाना और जैसे जाकर मेडल लिया नंबर वन हरियाणा अरे रहने को देने चीज ना आप क्या सोचते जैसे संदीप सिंह का मामला था फिर ब्रिजभूषण का मामला था अगर देखा जाए तो मंत्री एमएलए एमपी के लिए तो कानून अलग है या जनता के लिए अलग है बराबर है नहीं है ये बताइए मुझे नहीं है सुनो जी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है सरकार की पपोती जिस तरह कहेंगे उस तरह डिसीजन आओगा मन सिटी क्वालिफाई डाल लिया जज साहब का निर्णय पता गया कि जो भी जो अच्छे से अच्छे संगठन है और जो भी हरियाणा सरकार है ये 3.6 लाख बड़ा कम ले ले माना कोई हर्ज नहीं है ये भी हट रहे हैं और जहाँ तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है सभी एमएलए जगह मंत्री का लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी पता नहीं क्या सोचा है वो मेरा क्या कहें मुका जब गेम शुरू हो जाता ना उनका तब रूल बनाए दे बीच में रूल नहीं बन दे इनके बड़े बनता है बीच में जब इनका जी करा नहीं है इनकी जी ने पूछना हुआ गया कद कमल खिलिया जींद में नहीं खिलिया 18,000 तो एकदम जो इनिंग दे दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुई वो स्पोर्ट्स वाले लाख कट है अपने मेरा का मेरा गांव मेरा पास ना माइनस गांव है चार छोरी खेलना है फुटबॉल चारों का सिलेक्शन हो गया बाद में जो ग्रेडेशन का वहाँ इनका 3 बार वेरिफिकेशन हो ली इन तक की खानी आना बेचारी जो कि जेनुअन है भी करी ना नौकरी नहीं है और बाद जिस टाइम फर्जी लग गए इनमें फर्जी लिखे हैं जो से ग्रेडेशन नहीं थी वो सही थी उनकी 2 बार 3 बार वेरिफिकेशन हो ली स्कूल है लेकिन वही भी लिखन लग गई कड़ा स्पोर्ट्स वाले रोजगार रहती माँ बाप अपना नहीं गरीबों की छोरी हमें बेचारी गरीब वर्ग तक किसी वर्ग तक छोरी हमें कड़ा लग पीछे देगा कदल खिलिया होगा ये बेटी ना उस टाइम चल अब तो बहुत हरियाणा सुधरिया जिस टाइम ये सक्सी मानी कर खिले कर दी नहीं माँ बाप ना लोग कर दे खिलिया होगा या बनाएंगे पहलवान माँ बाप ने ब्रेक एक किस आया लेकिन तब जाके तो लोहा पकिया और मेडल आया प्रदीप संधु मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर देखा जाए जर्नल कास्ट की एज हो जाती है ओवर एज 25 प्लस हो जाती है ये पुलिस के रूल है अगर डी ग्रुप की बात करें तो 40-42 तक पहुंच जाए तो ओवर एज की अगर बात करें आप हरियाणा सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसा रूल बना सकती है कि ओवर एज ने भी नौकरी मिले ना 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 जी रूल कड़ा था अपना ये सना जो मैं इस सीटी क्वालिफाई कर रहे हैं साथी ये भी इनमें था कौन कोई सा पावेगा जो बेचारा प्राइवेट रोजगार कर रहा होगा कि मतलब कर रहा होगा पेट तो पड़ा सारे दिहाड़ी जप्पा और उसकी उम्र की तैयारी हो रही होगी और केवल उसका सीटी लास्ट आई 42 के बाद खत्म हो ये इनका अगला मैच लगा स्टॉप लेगा पढ़ ले उसकी तो लास्ट उम्र है उसके बारे में सोचो दूसरी सना में 97 के बालक है जो कि एक स्किल टेस्ट हुआ है जो स्किल उसकी उसमें बालक बड़े होता है या लैंग्वेज वो टाइपिंग वाली लैंग्वेज है लैपटॉप वाली या फोन वाली लेकिन वो स्किल टेस्ट है उसमें मेरा क्या रहा इज यू हैव 97 इन प्लस 2 ना मतलब इज यू हैव 97 आपने 97 आवा या नहीं यस नो मैं भी यस कर सकूंगा यू भी यस कर सकता यू भी यस कर सकता और यस कर जाए ना मेरे तो है को नहीं टॉपर तो उठ गए जिस स्किल आवा तला रह गया वो भी बेचारा धक्के खाने आना है मेरा गांव का लड़का है उसकी 97 मतलब स्किल टेस्ट ले लग रहा है लेकिन वो भी बेचारा इस मानते कोई मेन्स में आपने एक बात कही थी स्टेज वह SCS का जैसे अभी कल पेपर था उसके अंदर 32 क्वेश्चन रिपीट थे अपने बंदे लगाने लग रहे हैं वो कैसे आप बता सकते हैं कड़े तो नहीं हुआ जी बहम हो रहा हमारे टॉपर भाइयों का है सरकार ने देख रहा है आ ट्री तो कांग्रेस की लग गई दूसरी आ टाइम बचे सर्विस सिलेंडर था तीसरी बार तो अपने रह लेना मौका उस टाइम दिया और ये तो किस खेत की मूली है इन्हें दिख रहा है आना नहीं जाना अपना बंदा खपाना आप कहते हैं ये थे हमारे साथ एक युवा साथी प्रदीप संधू जिन्होंने बताया साथी जो भी साथी है और साथी बोलना चाहता है तो बोल सकता है ओपन माइक आपके लिए ये भाई अपने अरविंद मलिक भाई साहब भाई इशार से मैं अरविंद मलिक मेरा नाम है भाई देखो 6 से 7 महीने हो गए हमारी मांग थी सीटी क्वालिफाई के लिए अभी भी है भाई सीटी क्वालिफाई होने से जो बच्चे 3,57,000 बच्चे हैं ना पास हो रखे हैं क्वालिफाई हो रखे हैं कि उन एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए लेकिन ये नहीं दे रहे ये कह रहे इनका कहना कट्टर साहब का कहना है कि जो बच्चा 60 नंबर है वो 80 नंबर पर नहीं जा सकता मैं कट्टर साहब को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका इतना फास्ट प्रोसीजर नहीं है कि आज परी ले लिया और 10 दिन बाद मेंस ले लिया इतना फास्ट प्रोसीजर तो है नहीं कि 10 दिन में 60 वाला 80 वाला 80 पर नहीं जा सकता हम मानते हैं इस चीज़ में अगर 10 दिन में पेपर लेते हो तो आप 6 महीने हो गए एग्जाम को जो 0 लेवल पे बच्चा है ना वो भी टॉप कर सकता है हमारे यहाँ पे
इस बात को खट्टर साहब को हम कहना चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए और इसको सीटी को क्वालिफाई कर दीजिए। अगर आप हमारी बात ये मानते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे आगे 2024 में। नहीं आपको है ना, जैसे किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम गांव में कहीं घुसने नहीं दिया था किसी बीजेपी वालों को, किसी को घुसने, वही काम युवा करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर सीटी क्वालिफाई नहीं तो बिल्कुल भी वोट नहीं है, बिल्कुल भी वोट नहीं है। ये नारा बन चुका है पूरे हरियाणा के स्टूडेंट का, नारा बन चुका है सीटी क्वालिफाई का कि सीटी क्वालिफाई नहीं तो बिल्कुल भी वोट नहीं है। 357,000 बालक नहीं है, बच्चे नहीं है, वो परिवार हैं, उनका वोट नहीं है, उनके किसी का वोट नहीं मिलेगा आपको। लगभग कितने परिवार और कितने सदस्य आपको लगता है इससे ग्रस्त हुए हैं? देखो मेरा अनुमान है कि 357,000 बच्चे पास हो रखे हैं, एवरेज लगा लो कि एक के साथ चार तो मिलेंगे। अगर वोट लगाएं, वोटिंग लगाएं तो कम से कम 12 से 13 लाख बच्चे हैं, मतलब वो वोट हैं, वोटर हैं। आप उनके बारे में सोच लो तो आपके बारे में वो भी सोच लेंगे, बात ये है। ठीक है, देखो ये अगर इन्होंने टॉप मेरिट बेस पे ये कह रहे कि हमने मेरिट वाले, हमें क्रीम लेनी है, क्रीम ही तो है। ये जो पास हो रखे हैं ये बिना ऐसे पास नहीं हो रखे, मेहनत करके पास हो रखे हैं ये। ठीक है, अच्छा रही बात 357,000, एक छोटा सा आंकड़ा है। पहले क्या होता था, एक एग्जाम होता था, 10-10, 12-12 लाख स्टूडेंट पेपर देते थे। ठीक है, वो एक कैटेगरी का पेपर देते थे इतने बच्चे, और आज एक ही इतनी सारी कैटेगरी मर्ज कर दी, एक ही जगह होगी। ठीक है, उन सब के लिए 357,000, वो भी 357 में था, पर मेंस के लिए 3,06,000 बच्चे हैं। मैं मलिक साहब आपको एक बात बताता हूँ, साथियों आपको पहले एक बात बता देता हूँ, 18 लाख लोगों ने पेपर दिया था 18,000 की भर्ती के लिए, तो कॉमन आंकड़े हैं। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने फार्म भी भरे थे, वो करीबन 31 लाख थे, काफ़ी लोग पहुँच भी नहीं पाए थे। 18 लाख अगर देखें आंकड़े के अनुसार तो 1800 लोग एक वैकेंसी के लिए थे उस टाइम की बात, 2018 की बात। देखो और हमें युवा बाहर आने पे भी मजबूर हो रहा है, अब आना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो डर था, ये डराते भी हैं कि कभी हम केस लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, डर के मारे युवा नहीं निकल रहा बाहर, घर से बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, इनकी तानाशाही चल रही है सिर्फ तानाशाही। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ साथियों, जितने भी हरियाणा के साथी इसको देख रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अब कर्मचारी रोड पे है और क्या कहते हैं कि किसान रोड पे हैं, अब स्टूडेंट रोड पे हैं, हर इंसान रोड पे आपको दिखाई देगा। कभी नोटबंदी करते हैं, अभी नौकरीबंदी करते हैं, कभी युवाबंदी करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो युवा साथियों की आवाज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। हाँ जी बताओ। पता क्या, हम 5,000 साथी हैं जो सीटी क्वालिफाई ग्रुप में जुड़े हैं, सीटी क्वालिफाई ओनली टेलीग्राम पर। उसमें ना सर पता क्या, हम भाड़ा थोड़ा लगा गरीब का केवम भी, सीईटी क्वालिफाई ओनली टेलीग्राम पर, उसमें 4,849 बच्चे जुड़े हुए हैं। और जो फाइनेंशियली जो बच्चा हमारे साथ ये सड़क पर उतर सकता है, आंदोलन में नहीं उतर, वो कम से कम हम फाइनेंशियली सहारा दे सकता है, क्योंकि सर हम भी गरीब परिवार से हैं, इतने अमीर मम भी नहीं है। जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं बड़ा थोड़ा लगा, जो भी साथी को सोनी पत का कितनी दूर पड़ा, हर जी आंदे आंदे 4 घंटे लग जाए, इब हम पहुंचे तो हमारा सारा लगाओ, बहन बेटियां हैं तुम्हारी ग्रुप में, हम बोला हमारे परिवार के लोग नहीं कर दे, क्योंकि एक बहन का एक भाई ना पड़ागा, मजबूरी है यार, कोई भाई ऐसा यार ऐसा कोई डेडिकेटेड है को नहीं भाई जावागा। तो मैं भी कहा है कि आप लोग ना फाइनेंशियल सहारा दे देंगे, आप लोग इसके लिए। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। धन्यवाद। चले साथियों धन्यवाद। सरकार, सरकार, तनाशाही नहीं चल।